नमस्कार, आज हम आपको कैपेसिटर का एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे और दिखाएंगे कि 9 वोल्ट से 36 वोल्ट कैसे लाते हैं। ये हमारे पास 4 नंबर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं। इनकी वैल्यू है, हर कैपेसिटर की वैल्यू है 4700 माइक्रोफेराडे। इसके दो टर्मिनल हैं, एक पे हमने लाल रंग का फ्लैग लगाया हुआ है, ये देखिए, ये वाला प्लस टर्मिनल है और दूसरा माइनस है। इसी प्रकार इस कैपेसिटर में ये रेड वाला फ्लैग वाला प्लस टर्मिनल है और ये माइनस है। इसमें ये प्लस है, ये माइनस है, और इसमें ये प्लस है और ये माइनस है। और ये 9 वोल्ट की बैटरी है और इस मल्टीमीटर को हमने डीसी रेंज में 200 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इन चारों कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे, मतलब इसका प्लस इसके माइनस से कनेक्ट हो जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस से और इसका प्लस इसके माइनस से। तो इस तरह ये चारों सीरीज में आ जाएंगे। मैं ये कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। ये लिया और ऐसे ट्विस्ट कर दिया, ये देखिए, ये और ये टर्मिनल शॉर्ट हो गए। ऐसे मैं चारों कर देता हूँ, देखिए ये चारों कैपेसिटर सीरीज में लग गए। मैं इसको पास से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए चारों सीरीज में लगे हैं। अब ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, तो मल्टीमीटर का रेड वाला मैं प्लस में लगा दूंगा और माइनस वाला माइनस में लगा दूंगा। लग गया। अब ये मल्टीमीटर इसके अक्रॉस वोल्टेज पढ़ेगा जो कि अभी 0 है। अब मैं इस 9 वोल्ट की बैटरी से एक कैपेसिटर चार्ज करता हूँ। देखिए यहाँ वोल्टेज कितना आता है पूरे में, देखिए 9 वोल्ट आ गया। अभी खाली ये कैपेसिटर चार्ज है, हाँ मैं ये वाला भी कर देता हूँ। देखिए करीब 18 वोल्ट हो गया। अब मैं तीसरा कैपेसिटर ये वाला भी चार्ज कर देता हूँ। देखिए वोल्टेज बढ़ गया। अभी आखिरी वाला बचा, इसको भी मैं चार्ज कर देता हूँ। देखिए तो 35 वोल्ट आ गया। मैंने हर कैपेसिटर को करीब 9 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया है, तो ये चारों कैपेसिटर चार्ज हैं और टोटल वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। अब ये धीरे धीरे कम होगा क्योंकि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होंगे, तो आपको ज़्यादा वोल्टेज तो मिल जाएगा मगर एनर्जी कम होगी। इससे थोड़ा ही काम ले सकते हैं, बहुत देर तक ये चार्ज नहीं रहेगा। जब डोर लगाएंगे तो ये डिस्चार्ज होने लगेगा। जिस तरह हमने चार कैपेसिटर लगा के 9 का 36 किया, ऐसे आप जितने चाहे लगा सकते हैं। फिर हर कैपेसिटर को एक एक करके चार्ज करते जाइए, आपको ज़्यादा वोल्टेज मिल जाएगा मगर एनर्जी कम मिलेगी। ये देखिए वोल्टेज धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहे हैं। जब इस चेन को चार्ज करते हैं तो पहले के बाद जब दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, तब तक पहले थोड़ा डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरह आपको बिल्कुल चार गुना वोल्टेज नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा। अब आज यहीं समाप्त करते हैं।